नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS Basic Physics में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय विभव। हम इस वीडियो में देखेंगे कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है, इसके साथ में किसी गोले के कारण से गुरुत्वीय विभव कितना क्रिएट होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय विभव कहा किसे जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सुन लीजिए कि यदि हम एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसी को ही हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। यदि हम किसी द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उसको हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा था। और यदि हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में द्रव्यमान का भाग लगा दें, जिस पिंड को लेकर आ रहे हैं उससे उसके द्रव्यमान से यदि उसको डिवाइड कर दें तो हमें गुरुत्वीय विभव प्राप्त हो जाएगा। तो जो गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन है एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है, कि हम एकांक द्रव्यमान वाला पिंड लेंगे और उसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन लेकर आएंगे, तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही, उस कार्य को ही गुरुत्वीय विभव कहेंगे। क्या कहा जाएगा? गुरुत्वीय विभव। देखिए दोस्तों, जो कार्य है और द्रव्यमान है वो दोनों ही अदिश राशियां, तत्पश्चात जो गुरुत्वीय विभव होता है वो भी एक अदिश राशि होती है। गुरुत्वीय विभव का मान भी सदैव ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय विभव की वैल्यू सदैव कैसी होगी? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक इसकी वैल्यू होगी। इसके मात्रक विमा भी हम आपको बता देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हम यहां पर देखेंगे कि किसी गोले के कारण से उस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है, हम पृथ्वी या किसी गोले के लिए गुरुत्वीय विभव की वैल्यू भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन क्या है, कि किसी प्रति एकांक द्रव्यमान को किसी प्रति एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। कि यदि एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को यदि हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को ही हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं दोस्तों। अब यदि हम यहां पर यह कंसीडर कर लें कि स्मॉल एम द्रव्यमान को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो W है, जो कि स्थिति ऊर्जा के U के तुल्य है, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि स्मॉल m द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो किया गया कार्य W हो तो हम उस गुरुत्वीय विभव को VG से पुट करेंगे
और जो कार्य है वो होता है W अपॉन में स्मॉल m, और ये जो किया गया कार्य है उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को U से U बाई m से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में आ गया है Vg बराबर U बाई m, ये हमारे पास में गुरुत्वीय विभव का सूत्र आ गया है। अब यहां पर देखेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, तो गुरुत्वीय विभव भी सदैव ऋणात्मक होगा। देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, तत्पश्चात जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो नेगेटिव। यदि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो गुरुत्वीय विभव है वो भी सदैव ऋणात्मक होता है। तो गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। फिर देखिए, जो ये एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, तो दोनों अदिश राशियां हैं, तत्पश्चात जो गुरुत्वीय विभव है वो भी एक अदिश राशि होती है दोस्तों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि, तो गुरुत्वीय विभव भी एक अदिश राशि होती है दोस्तों। तो गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि होती है। गुरुत्वीय विभव अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। फिर देखिए, वीजी की विमा, वीजी का मात्रक देख लीजिए एक बार, वीजी का जो मात्रक है इसके अकॉर्डिंग है जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होगा। वीजी की विमा भी देख लीजिए, वीजी की विमा कि एम वन एल टू टी माइनस टू और बट्टे में आ जाएगी एम वन, क्योंकि किलोग्राम के लिए विमा इसकी क्या आ जाएगी, द्रव्यमान की जो विमा है एम वन और ऊर्जा की विमा एम वन एल टू टी माइनस टू, तो इसकी जो फाइनली विमा निकल कर आती है एम जीरो एल टू टी माइनस टू, इसकी विमा प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये था गुरुत्वीय विभव, इसके मात्रक और विमा। अब हमें किसी ठोस गोले या पृथ्वी के कारण से उसके बाहर पृथ्वी के पृष्ठ पर और अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक देखेंगे। देखिए दो, पृथ्वी हो सकती है या पृथ्वी के स्थान पर हम कोई ठोस गोला ले सकते हैं, पृथ्वी या ठोस गोले के कारण, गोले के कारण गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होगा, गुरुत्वीय विभव किसके तुल्य होगा। यहां से आप देखेंगे कि हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक पृथ्वी के बाहर पृथ्वी के पृष्ठ पर तथा पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, और उसी का प्रयोग करते हुए ही हम गुरुत्वीय विभव का मान फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर कोई बिंदु पर गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, U बराबर हम पढ़ चुके हैं माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में स्मॉल r, कि पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है बिंदु P की वो स्मॉल r है, बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा ये प्राप्त होती है। तो यदि ये स्थितिज ऊर्जा है तो गुरुत्वीय विभव क्या होगा, देखिए गुरुत्वीय विभव हम यहां पर पुट कर रहे हैं,
गुरुत्वीभव होता है वीजी बराबर यू अपॉन में एम, यू अपॉन में एम। तो यदि इसके अंदर हम स्मॉल एम का भाग लगा देंगे तो हमारे पास में गुरुत्वीय विभव आ जाएगा, जो कि माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल एम तो कट ही गया। ये हमारे पास में किसी गोले के बाहर या पृथ्वी के बाहर गुरुत्वीय विभव का सूत्र प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर। यहां तो स्मॉल आर ग्रेटर देन था कैपिटल आर, अब हम ले रहे हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर। पृथ्वी के पृष्ठ पर का मतलब हो गया स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस स्थिति में हमने ये देखा कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर आ जाता है। यहां पर कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो यू इक्वल टू माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर प्राप्त होती है। यहां से आप देखेंगे कि गुरुत्वीय विभव कितना प्राप्त होगा, वीजी इक्वल टू माइनस में, इसमें हम स्मॉल एम का भाग लगा देंगे, कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में कैपिटल आर। ये हमारे पास में आ गया है गुरुत्वीय विभव पृथ्वी के पृष्ठ पर। तीसरा पार्ट देखेंगे, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर, पृथ्वी के अंदर, अंदर का अर्थ यह हो गया कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, उस स्थिति में जो यू का मान है वो देखिए दोस्तों, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन टू आर क्यूब, टू आर क्यूब, स्मॉल एम भी आएगा यहां पर। और चलिए स्मॉल एम को थोड़ा सा दिखा देते हैं, आपको भी दिखना चाहिए। यहां पर थ्री आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये प्राप्त होता है दोस्तों, थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर है वो पृथ्वी के केंद्र से बिंदु पी की दूरी है जिस पर हम गुरुत्वीय विभव देख रहे हैं, तो इसके लिए जो वीजी की वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी। इसमें स्मॉल एम का भाग लगा दीजिए तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल बट्टे में दो आर क्यूब इंटू में थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा वीजी। ये क्या मिलने वाला है, वीजी मिलने वाला है। यदि हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर वीजी का मान कितना होगा, तो देखिए दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर यदि आप गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना चाहें तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर का मान जीरो पुट कर दीजिए। स्मॉल आर का मान जब जीरो पुट करेंगे तो आपके पास में देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अब इसका ग्राफ और केंद्र पर ये दो बातें और बताता हूं। देखिए दोस्तों अंदर जो भी मान होगा उसमें हम स्मॉल आर की वैल्यू यदि जीरो पुट कर दें तो जो बिंदु पी है वो गोले के केंद्र पर पहुंच जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उस फॉर्मूले के अंदर हम स्मॉल आर इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो वीजी बराबर, वीजी बराबर हमें मिलेगा। दोस्तों इसमें एक नेगेटिव साइन भी है, ये एक नेगेटिव साइन भी इसमें अवश्य ही दिखाना है, देख लेना आप। यहां पर तो हमने दिखाया, उधर हमने छोड़ दिया था। अब देख लीजिए कि माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में दो आर क्यूब, यहां पर थ्री आर स्क्वायर ये रह गया क्योंकि आर स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमने जीरो पुट कर दी है। तो यहां से भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में स्मॉल आर रह गया और साथ में यहां पर ये तीन और यहां पर ये दो, तो माइनस में तीन बट्टा दो एक्स्ट्रा आ रहा है। आप यहां पर देखिए कि ये है पृष्ठ के ऊपर गुरुत्वीय विभव, तो पृष्ठ वाले गुरुत्वीय विभव से ये तीन बट्टा दो गुणा प्राप्त होता है। तो वी का मान केंद्र पर, केंद्र पर तीन बट्टा दो गुणा होगा वी का मान पृष्ठ पर, पृष्ठ पर गुरुत्वीय विभव का तीन बट्टा दो गुणा गोले के केंद्र पर प्राप्त होता है। वीजी और आर में ग्राफ,
तो ये जो ग्राफ है, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि वीजी का मान सदैव ऋणात्मक होता है, वीजी का मान सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक। तो यहां से आप देखेंगे कि गोले के बाहर तो जो वीजी है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है गोले के पृष्ठ के ऊपर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं। इस तरफ हम ले रहे हैं स्मॉल आर और इस तरफ हम ले रहे हैं वीजी, गुरुत्वीय विभव। इस तरफ इसका मान ऋणात्मक होता है और हमने ये देख लिया कि वीजी सदैव ऋणात्मक ही होता है और ये दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु ओ है। यहां पर आप देखेंगे कि पृष्ठ के बाहर तो जो वीजी है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, वीजी व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। ये ऋणात्मक होता है इसलिए इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, यदि धनात्मक होता तो इसका ग्राफ ऐसे आता। ओके, फिर इसका मान है यहां से यहां पर देखेंगे किस तरीके से बदलता है। ये है पृष्ठ के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर वीजी का मान है वो माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में कैपिटल आर प्राप्त होता है, और ये है केंद्र पर, केंद्र पर ये वी का मान केंद्र पर है और केंद्र वाला जो मान है वो पृष्ठ वाले मान का 3/2 गुणा होता है। यहां पर जो भी मान होता है उसका 3/2 गुणा यहां पर मान प्राप्त होगा, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है दोस्तों। तो केंद्र पर गुरुत्व विभव ऋणात्मक में अधिकतम होता है, नेगेटिव में अधिकतम उसका मान होता है, पृष्ठ से 3/2 गुणा होता है, और गोले के बाहर गुरुत्व विभव का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाता है दोस्तों। तो ये वीडियो था गुरुत्व विभव से संबंधित, हमने गुरुत्व विभव को इसमें परिभाषित किया। इसके साथ में हमने देखा कि किसी गोले के कारण से उसके बाहर पृष्ठ पर तथा अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव कितना होता है। साथ में हमने इस पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व विभव भी देखा और एक ग्राफ भी यहां पर हमने देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।